संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में खेती नहीं करी। और जो मैंने संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा किया था वो संयुक्त किसान मोर्चा तो आखिर में रहा। हमने किसानों की बात करी थी, MSP की बात करी थी, पहली मीटिंग जो हिंदुस्तान में हुई थी राजनाथ सिंह जी के साथ, तोमर जी के साथ, पंजाब को बुलाने से पहले हमने जो मीटिंग करी थी, हमने सीधा कहा था MSP का गारंटी का कानून ले आओ, ये तीनों बिल इंफेक्टस हो जाएंगे। सीएम सिंह MSP की बात कर रहा है, बाहर भेज दो। आज वही लोग ट्यूबलाइट जैसे धीरे धीरे निकलते ना जलते हैं, अब सब वही कह रहे हैं MSP आ जाएगा, MSP की लड़ाई लड़नी है, MSP में धोखा हो गया। 7 दिन के अंदर एक मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा था, पर हमें MSP की बात करने के लिए नहीं बुलाया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता VM सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान संयुक्त किसान मोर्चे ते सवाल खड़े किए ने। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे दे विच अज ओह नेता ने जिन्होंने अज तक कदे खेती भी नहीं की। नाल ही उन्होंने कहा कि अज दे संयुक्त किसान मोर्चे ते अज दे मोर्चे दे विच बहुत फर्क है। VM सिंह ने कहा कि भारत दे विच अंदोलन शुरू होने तो पहला अते पंजाब दा धरना शुरू होने तो पहला साडी कमेटी दी बैठक राजनाथ सिंह अते नरेंद्र तोमर दे नाल MSP ते होई सी। संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में खेती नहीं करी। और जो मैंने संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा किया था वो संयुक्त किसान मोर्चा तो आखिर में रहा नहीं। हमने किसानों की बात करी थी, MSP की बात करी थी, पहली मीटिंग जो हिंदुस्तान में हुई थी राजनाथ सिंह जी के साथ, तोमर जी के साथ, पंजाब को बुलाने से पहले हमने जो मीटिंग करी थी, हमने सीधा कहा था MSP का गारंटी का कानून ले आओ, ये तीनों बिल इंफेक्टस हो जाएंगे। उस समय लोगों ने कहा, सबने कहा VM सिंह MSP की बात कर रहा है, बाहर भेज दो। आज वही लोग ट्यूबलाइट जैसे धीरे धीरे निकलते ना जलते हैं, अब सब वही कह रहे हैं MSP आ जाएगा, MSP की लड़ाई लड़नी है, MSP में धोखा हो गया। वही इलेक्ट्रिसिटी की जो आपने बात करी, ये जितने के जितने कानून उस समय उन्होंने कहा था कि हम इसको बैक बर्नर पे रखेंगे, पर जब आपने समझौता किया, आप 40 लोग जा रहे हैं बात करने के लिए, और 40 मेरे हिसाब से कौन है, सरकारी से सब 40 सरकार जिनको बुला रहे थे जा रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, गन्ने की लड़ाई, MSP की लड़ाई, MSP कोर्ट में मैं 2020 में गया था, सबसे बड़ा आंदोलन देश में MSP का हमने खड़ा किया था 2000 के अंदर, सारी ट्रेन्स, सारी बसेस पूरा UP में बंद थे, 7 दिन के अंदर एक मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा था, पर हमें MSP की बात करने के लिए नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हम कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम जीत के आए हैं, सरकारों को पछाड़ के आए हैं। इसलिए ये जो बातें हैं ये बहुत लंबी हैं। आज फिलहाल हम लोग केवल गन्ने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, गन्ने के अंदर अगर किसान बच जाएगा तो 1/6 हिस्सा देश का किसान खड़ा हो। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों साडी कमेटी नूं अणगौलिया कीता गया सी, MSP ते गल करन ते मैनूं बाहर कर दिता गया, ते हुण ट्यूबलाइट वांगू जगमगा रहे ने। दिल्ली तो दविंदर सिंह दी रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।